स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडगर एलन पोए की बायोग्राफी। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूँ कि आज हम इनकी बायोग्राफी पढ़ क्यों रहे हैं। क्योंकि ये एक अमेरिकन राइटर हैं, सेकंड ये एक एडिटर हैं, थर्ड ये एक लिटरेरी क्रिटिक हैं, और फोर्थ इसने बहुत ज़्यादा पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, और फिफ्थ पर शॉर्ट स्टोरी पोनियर बोलते हैं। पोनियर किसको बोलते हैं? जिसने किसी भी चीज़ का आगाज़ किया हो, ठीक है। ये फर्स्ट बंदा था जिसने शॉर्ट स्टोरीज़ को एक्सप्लोर किया, ठीक है। फाइनेंशियली सपोर्टेड बाय शॉर्ट स्टोरीज एंड फेस्ड अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस। इनको शॉर्ट स्टोरीज नहीं सपोर्ट किया फाइनेंशियली, क्योंकि वो फेमस होती थी तो इनको कुछ पैसे मिल जाते थे जब वो पब्लिश होती थी किसी भी न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन में, और उनने इनको सपोर्ट किया। और इनने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखी, ठीक है। तो ये इनके रीजंस हैं जिनकी वजह से आज हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये कौन है। अब हम इनकी डेट ऑफ बर्थ की तरफ चलते हैं। अगर हम इनकी बर्थ देखें तो ही वॉज बॉर्न इन बोस्टन 19 जनवरी 1809 में इनकी बर्थ हुई थी। 1810 में मदर पास्ड, फादर लेफ्ट ऑन और डाइड। इनकी जो मदर थी वो इनके पैदाइश के एक साल बाद ही पास्ट हो गई थी, यानी कि वो मर गई थी। और इनके फादर का कोई पता नहीं, क्या पता वो इन्हें छोड़ के चले गए हों या वो उनकी डेथ हो गई हो, उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये ऑर्फन हो गए थे, ये यतीम हो गए थे। एलन फैमिली अडॉप्टेड बट नॉट ऑफिशियली अडॉप्शन। फिर एक फैमिली थी जिसका नाम था एलन फैमिली, उनने इसको अडॉप्ट किया लेकिन ऑफिशियली इसको इतना अडॉप्ट नहीं किया था, ठीक है। फिर 1827 में क्या हुआ, 1809 में इनकी बर्थ हुई, 1827 में जब ये बड़े हो गए इनने आर्मी को ज्वाइन किया, पर वहाँ पर सेलेक्ट करना चाहा मगर सेलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। फिर सारा फोकस इनने अपना राइटिंग पर किया, राइटिंग प्रोज एंड शॉर्ट स्टोरीज, क्रिटिसिज्म, और बहुत ज़्यादा इनने और ऑथर्स पर उनको क्रिटिसाइज़ किया, और ये क्या हो गए, फेमस हो गए। अब यहाँ पर इनके अगर हम शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स का देखें तो पोएम्स इनने लिखी लेकिन उसमें ये नाकामी का इनको सामना करना पड़ा, ये फेल हो गए। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज़ इनने मिस्ट्री पर लिखी और हॉरर पे लिखी, ठीक है। इनकी डरावनी किस्म की शॉर्ट स्टोरीज़ थी। मिस्ट्री वो जो जिसका कोई सुलझाना जिसको होना, ठीक है, उसको मिस्ट्री बोलते हैं, जो सुलझी हुई ना हो, बिगड़ी हुई चीज़ें। फिर अगर हम इनके फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें, ये फेमस तो हो गए एज अ प्रोज राइटर, शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्रिटिसिज्म कर कर के। तो इनके शॉर्ट स्टोरीज़ हमारे पास है टेल टेल हार्ट फर्स्ट, सेकंड है द फॉल ऑफ हाउस ऑफ उशेस, थर्ड है द पिट एंड द पेंडुलम, और फोर्थ है द मॉस्क्यू ऑफ द रेड डेथ। तो ये इनकी फेमस शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। अगर हम इनकी वाइफ की बात करें तो इनकी वाइफ का नाम था वर्जीनिया सेलमन, जो कि 13 to 27 राइटर एज, आफ्टर 10 ईयर्स डेथ बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और इनकी मतलब जो डेथ थी ना वो ट्यूबरकुलोसिस से हो गई थी इनकी शादी के बाद, इनकी वाइफ की, ठीक है। जब इनसे इनकी शादी हुई तो इनका जो वर्जीनिया सेलमन है इनकी एज थी 23 और राइटर की एज थी 26। अब राइटर के डेथ की बात करें तो उनकी डेथ हुई 7 अक्टूबर 1849, यानी कि वो सिर्फ 40 साल ही ज़िंदा रह गए रहे थे। इनने सुसाइड किया था अल्कोहल और ऑफियम में भी, ठीक है। इनने अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी थी, ऑफियम एक अल्कोहल ही है, वो इनने शायद ज़्यादा ले ली थी। और इनको रैबीज़ की बीमारी थी, रैबीज़ यानी कि जब कुत्ता काट लेता है तो तब जोंसी हो जाती है, उसके साथ एपिलेप्सी भी थी इनको, लॉर्ड हेल्प माय पुअर सोल। और इनका एक ये काफ़ी फेमस क्या कह लें इनकी वो एक बुक, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी में है लॉर्ड हेल्प माय पुअर सोल, ये अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है।
तो फिर उसके बाद अगर हम इनके राइटिंग स्टाइल की लास्ट पर बात करें तो इनका राइटिंग स्टाइल था गॉथिक, ठीक है, साइंटिफिक फिक्शन और हॉरर और सस्पेंस, इन चार चीज़ों पर ये लिखते थे। होप सो आपको एडगर एलन पोए की पूरी बायोग्राफी अच्छी से समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर किसी ने लास्ट तक वीडियो देखी है तो आई एम 100% श्योर उसको अच्छे से समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।